दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर लटकन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए मैंने लटकन बनाया है और ये लटकन कैसे बनाया है वो आज के आपके वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए कितना सुंदर लटकन है। तो ये इस तरह के लटकन आप कुर्ती ब्लाउज लहंगा किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मैंने 3 पीस लिए हैं और साइज बता देती हूँ। ये देखिए 3 इंच ये चौकोर पीस है। सेम मुझे ये गोल्ड कलर भी चौकोर करना है, जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। और ये भी छोटा पीस लिया है, ये 2 इंच के आसपास है, ये भी चौकोर है। और अभी हम इसको डिजाइन देते हैं, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद अब इसकी हम गोलाई करते हैं। तो देखिए इस तरह की गुलाई हुई है, कहीं आगे पीछे तो उसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए अभी मैं इस पार्ट को यहाँ पे रख के सेम शेप में इसको पूरा स्टिच कर लेती हूँ। वन साइड थोड़ा सा ओपन रखेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको बाद में कट कर देंगे। थोड़ा सा पीस खुला हुआ रखा है यहाँ पर, इसमें से हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन निकल जाएगा। तो देखिए ये पूरा हमने निकाल दिया है और इस तरह से इसको पूरा खोल दें। और आप चाहे तो इस पर पहले आयरन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम किनारे पे सिलाई नहीं डालेंगे, सिलाई से फिनिशिंग नहीं आती है। और देखिए जो हमने ये खुला रखा है यहाँ पे इसको इस तरह सेट कर देंगे और इसमें डोरी डाल के फिर यहाँ पे इसको लॉक करेंगे। तो देखिए मैंने जैसे रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहें तो कपड़े की बना सकते हैं। तो डोरी को हम यहाँ से ही इसमें स्टिच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से इसको खोल दिया और लॉक भी कर दिया। अभी हम इसकी डिजाइन देते हैं। तो इस पार्ट को हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से आप 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे कि हम 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से लेके 1 इंच से इस तरह से क्रॉस में जहाँ तक हमारी ये डोरी है वहाँ तक ये स्टिच कर देंगे। स्टिच डाल दिए और अभी हम इसको इस तरह से खोल देंगे और यहाँ पे आपको आयरन करने से इसकी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे आयरन कर लेंगे हम। आयरन करने के बाद फिर इसमें हम मोती लगाएंगे। देखिए आयरन कर लिया है और हमने जो ये पीस लिया था छोटा वाला इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे कैप बनाते हैं, स्टार्टिंग में ले रहे हैं। खोल देते हैं कैप को। तो देखिए हमने ये कैप खोल दिया। तो देखिए हमारा इस तरह से इसका लुक आ रहा है। अभी हम इसमें मोती लगाते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक बड़ा मोती लिया, 2 छोटे मोती लिए और 2 छोटे छोटे इस तरह से लिए। अभी हम मोती ले लिए, हमने देखिए ये मोती ले लिए और हमने 4 फोल्डिंग का थ्रेड ले लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में लगाते हैं। और यहाँ पे एक मोती लगा देते हैं बीचों बीच, जो सिलाई है इसके बीचों बीच आप ले लें मोती। देखिए हमने धागा अभी यहाँ पर बिल्कुल यूज नहीं किया, सिर्फ हमने अंदर ही अंदर इसके निकाला। यहाँ पे हम एक मोती लगाएंगे।
तो देखिए दोनों लटकन हमारे तैयार हो चुके हैं। हमने यहाँ पर भी मोती लगा दी है और देखिए दोनों में इस तरह से मोती आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे लटकन का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर से लटकन बना सकते हैं कुर्ती ब्लाउज या लहंगे के लिए। डिजाइन के बारे में बता रही हूँ, तो देखिए मैंने ये दो कलर यूज किए हैं और अभी आपको साइज बता देती हूँ। देखिए ये 4 इंच के आसपास है, ये चौकोर पीस है, ये दो पीस लिए हैं मैंने। और सेम मैंने दूसरा कलर लिया है, ये मैंने देखिए ये 2.5 इंच के आसपास है, ये भी चौकोर है, ये भी दो पीस है। तो अभी हम इसके लटकन बनाते हैं। तो एक साइड में रख देते हैं और इस पीस को हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसको, और जो दूसरा पार्ट है इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे जो कि ये सेट हो जाए हमारा। हमने एक डोरी ली है, मैंने ये रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं। अब इसको पार्ट को हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे दोनों साइड से, और बीच में ये डोरी आ जाएगी और सिलाई कर देते हैं। जो ओपन है यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से यहाँ से किनारे से लेके इधर तक इस अभी हम इसको खोल देते हैं। तो देखिए इस तरह से आएगा खोलने के बाद, और जो यहाँ पर ये धागे हैं इनको भी हम निकाल देंगे। तो देखिए ये आपका डबल कलर देखेगा इस साइड में, देखेंगे आप कोई भी अपनी मैचिंग का कुर्ती के या साड़ी ब्लाउज का मैचिंग लेके इस तरह का बना सकते हैं। देखिए इस एक साइड से इस तरह से आएगा, दूसरी साइड से इस तरह से। तो इसी तरह मैं दूसरा तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इसी तरह मैंने दूसरा लटकन भी तैयार कर दिया जो हमने यहाँ पे सिलाई डाल दी। आप चाहे सिलाई को रख भी सकते हैं और निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर हमारे लटकन बन गए। वन साइड इस तरह से दिखेगा और दूसरी साइड आप देखेंगे तो इस तरह से इसका लुक आएगा। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर से लटकन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज के लिए। मैंने डोरी बनाने के लिए एक लंबी पट्टी कट कर ली है और ये क्रॉस में पट्टी कट करी है। और उसके अलावा जो मैंने देखी है ये टसन बनाए, ये टसन बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, दो पीस मैंने ब्लू लिए हैं और एक पीस मैंने पिंक लिया है, पिंक हमारी डोरी होगी। और ये दो मोती लिए हैं और ये मैंने चैन लिए है। तो आपको बताऊंगी इस तरह का डोरी या टसन कैसे तैयार करें। तो देखिए जितनी बड़ी आपको लंबी डोरी बनानी है उतने हिसाब से आप लंबी पट्टी कट कर लें। और ये मैंने 1.25 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई मैंने 1/2 मीटर के आसपास ली है। तो अभी आपको बताती हूँ कैसे स्टिच करना है, कैसे इसको तैयार करना है। तो देखिए इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लें। करने के बाद अभी हम इसमें एकदम किनारे पर स्टिचिंग डालेंगे। पलटने का तरीका, तो देखिए बड़ी सुई ली है मैंने और इसमें 4 फोल्डिंग का थ्रेड डाल दिया है और यहाँ पे मैंने इस तरह से गट्ठी मार दी है। अभी जो स्टार्टिंग है यहाँ पे स्टार्टिंग से इस तरह से इसके अंदर से निकालेंगे, और देखिए जो 4 फोल्डिंग का थ्रेड है इसके बीचों बीच हमको इसमें से निकालना है इसको सुई को। तो देखिए ये निकाल दिया है, अभी जो सुई को उल्टा पकड़े और इस तरह से अंदर की तरफ इसको निकालते हुए जाएं। को हम धीरे धीरे से इस तरह से इसको घुमाते हुए और जितना कपड़ा है आगे की तरफ ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे इसको, धागे को ज्यादा जोर से ना खींचे, जोर से धागे को खींचेंगे तो ये धागा टूट जाएगा, फिर हमारी डोरी पलट नहीं पाएगी। कैसे बना है देखिए, जो कपड़े के पीसेस मैंने कट किए हैं अभी आपको बताती हूँ कितनी चौड़ाई ली है मैंने। तो देखिए 4.5 इंच के आसपास है, 5 इंच में थोड़ा सा ही कम है, और इसकी जो चौड़ाई ली है वो 3.5 इंच के आसपास है। अभी हम क्या कर, इसी तरह मैंने 3 पीस कट किए हैं, 2 ब्लू कलर और 1 पिंक कलर, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया,
फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये पीस है हम इसके अंदर रखेंगे इस पीस को बीचों बीच, और यहाँ से ऐसे लेके और इस किनारे से लेके पूरा इसके किनारे तक स्टिचिंग डालेंगे। अब इसको हम पलट देते हैं, तो देखिए ये इस तरह से हमारी तैयार होगी डोरी। क्योंकि हमने ऐसा क्रॉस में लिया है तो इसलिए मैंने ये इस तरह से क्रॉस में डाला है, तो ये एक तरफ से ज़्यादा रहेगा, इस तरह से कम रहेगा। ये तो बना दिया हमने, अभी हम बताते हैं कि जो अभी दो कलर बनाने वाले हैं उसके लिए। तो देखिए ये तो हमारी तैयार होगी, अभी हम ब्लू वाले को बनाते हैं। तो इसका मेथड भी सेम है, इस तरह से रखेंगे, लेकिन इसको पलटना बहुत आसानी था क्योंकि हमने इसमें डोरी फंसा दी थी इसलिए पलट दिया। अब इसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, मेथड तो सेम ही रहेगा, खाली पलटने का तरीका दूसरा रहेगा। तो इसको भी यहाँ से लेके पूरा क्रॉस में ही स्टिचिंग डालेंगे जैसे कि हमने इसमें डाला था। इस तरह इसको कट कर दिया, अब पलटना इसको इस तरह से है, और बाद में बड़ी सुई या पेचकस का सहायता ले सकते हैं इसको अंदर निकालने के। तो ये पीस हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो जो साइड का पीस है क्या है, इसी तरह से मैंने ये दोनों पीस तैयार कर लिए हैं और एक हमने ऑलरेडी इसमें लगा लिया है। अभी इन पीसों को हम इस तरह से इसमें अटैच करेंगे, जो पिंक वाला है उसको सेंटर में रखेंगे और ब्लू दोनों आगे पीछे रखेंगे। देखिए इस तरह से आना है। अभी यहाँ पे क्या है, हम पहले इसको धागे से बांध देते हैं तीनों पीसों को। या फिर आप सुई से टांका भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से बांध दिया है। अभी क्या है, ये जो हमने मोती लिए हैं इन मोतियों को हम यहाँ से ऊपर से इसमें से निकालेंगे। आपके इतनी इस तरह की पतली डोरी है तो ये मोती भी आपके आराम से निकल सकते हैं। देखिए मोतियों को इस तरह से डाल दें। जैसे मैंने दो डाले, आप चाहे तो इसमें ज्यादा मोती भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने चेन ली है, ये स्टोन वाली चेन मिलती है, तो इस चेन को हम इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। चिपका सकते हैं या फिर इस आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं, तो मैं आपको इसको स्टिच करके ही बता रही हूँ कैसे करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको बड़ा रखा है और ये पीस हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हम इसको सिलाई कर देते हैं हाथ से। देखिए मैंने इसको टाइट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारा। और ऐसे बनाया वो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हूँ। तो ये देखिए मैंने दो पीस कट किए हैं, इनका साइज बता देती हूँ। देखिए ये 3.5 इंच के आसपास लिया है, ये चौकोर पीस है, और सेम दूसरा पीस है वो 2.5 इंच के आसपास लिया है। और अभी आपको बताती हूँ कैसे हम डिजाइन डालेंगे इसमें। तो देखिए इन पीसों को हम क्या करेंगे, इसको तो यहाँ से इस तरह से रोल बनाएंगे। इस पीस को इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और फोल्ड करके इसको साइड से बंद कर देते हैं धागे से। तो देखिए धागा से हम इसको यहाँ पे बांध देते हैं और इसके साथ में हम डोरी लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया मैंने रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहे तो कपड़े की भी बना सकते हैं। तो इस डोरी को भी हम यहाँ से इसके बीचों बीच रख देंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देंगे। तो थोड़ा सा पार्ट कट कर देते करने के बाद इसके साथ ही हम यहाँ पर डोरी को भी इसी तरह से बांध देते हैं धागे के साथ। तो देखिए इस तरह से हमने डोरी को भी बांध दिया है और जो हमने छोटा पीस लिया है इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसका कैप बनाएंगे। तो थोड़ा सा जो हमने ये मार्जिन लिया है यहाँ से हम इसको डोरी को इस तरह से अटैच करेंगे। कट करने के बाद इस कैप को पलट देते हैं।
और जो यह एक्स्ट्रा धागा इसको कट कर देते हैं। देखिए ये हमारा इस तरह से ये कैप तैयार हो गया। उल्टी जो सिलाई है इसको बैक साइड की तरफ ले लें और यहाँ पे आपके आगे की तरफ इस तरह से आएगा। देखिए ये लटकन हमारे इस तरह से बनकर तैयार हो गए। तो ये लटकन आप कुर्ती ब्लाउज किसी के लिए भी बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।